आगरा के राजा मंडी से सामने आई तस्वीर में टोरेंट पावर की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। इस तस्वीर में आप देखेंगे कि एक युवक सड़क पर खुले पड़े एक गड्ढे में गिरने से बुरी तरह घायल हो गया। टोरेंट पावर द्वारा लाइन डालने के लिए 3 साल पहले खोले गए इस गड्ढे को आज तक बंद नहीं किया गया है और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। आगरा के राजा मंडी बाजार में बीच सड़क पर पुलिया पर खुले पड़े एक गड्ढे में एक व्यक्ति गिरकर बुरी तरह घायल हो गया। उस व्यक्ति की टखने में बुरी तरह से चोट लग गई, जिसके कारण वह गड्ढे में से निकल नहीं पाया। कुछ लोगों ने किसी तरह से उसे खींचकर बाहर तो निकाल दिया, लेकिन पीड़ित व्यक्ति के पैर में इतनी अधिक चोट लगी कि वह किनारे पर ही बैठ गया। इस संबंध में राजा की मंडी के दुकानदारों का कहना है कि नाले के ऊपर पुलिया पर एक गड्ढा 3 साल से खुला पड़ा है। टोरेंट पावर ने यहां पर लाइन डाली थी, लेकिन गड्ढा खुला का खुला ही पड़ा हुआ है। इसकी शिकायत टोरेंट पावर में की जाती है तो वह इसकी जिम्मेदारी नगर निगम की बताते हैं, और जब नगर निगम से इसकी शिकायत की जाती है तो वह टोरेंट को इसके लिए जिम्मेदार मानता है। अब दोनों की जिम्मेदारी के बीच दुकानदार और आम जनता पिस रही है। अब देखना यह होगा कि ये गड्ढा जो पता नहीं किसकी जिम्मेदारी है, कभी बंद हो पाता है या नहीं। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से वर्षा चावला की रिपोर्ट।